Hello dear students, in this video we will discuss about the nitrogen cycle in detail and how bacteria help to plant to fix atmospheric nitrogen and available to with the help of various chemicals, right? Nitrogen cycle, it is a process of a cycle of events by which free atmospheric nitrogen 78% जो free atmospheric होती है उसको बहुत सारे chemical form में क्या होता है conversion होता है by the nitrogen cycle. और द नाइट्रोजन साइकिल कंसिस्ट फोर इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है. एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक होता है अमोनिफिकेशन, नेक्स्ट होता है नाइट्रिफिकेशन और चौथा होता है दैट इज़ डीनाइट्रिफिकेशन. तो सबसे पहले टर्न बाय टर्न हम देखते हैं, बाद में आपको एक डायग्राम भी शो कर दूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन किस किस तरीके से होती है. तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है लाइक N2 जो होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल फॉर्म में NO2 एंड NO3 के फॉर्म में या अमोनिया के फॉर्म में. तो इसको हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट. ये फिक्स्ड होती है जिसको कि प्लांट क्या कर लेते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट. नेक्स्ट है कन्वर्टेड इंटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट एंड अमोनिया, जो मैं अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ये मेनली टू वेज में फिक्स होता है. एक होता है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के फॉर्म. पहले हम देखते हैं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि भाई N2 जो एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन होती है वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होती है विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट के. मतलब ये कि डायरेक्टली कोई भी एबायोटिक फैक्टर हो सकता है लाइक लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. तो वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड एज फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट. फिक्सेशन अकर्स बाय नेचुरली बाय लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होती है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इसके ऑक्साइड में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में, राइट. उसके बाद में क्या होता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होती है नाइट्रोजन और ये जो ऑक्साइड है वो जनरेट होते हैं फॉरेस्ट फायर के फॉर्म में. फॉरेस्ट में फायर जब होती है जब भी ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं, इंडस्ट्रियल कंबशन के कारण भी फॉर्म होते हैं एंड बाय सम पावर जनरेटिंग स्टेशन के कारण भी ये नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होते हैं फॉर्म होते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड एज फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है जनरली वो होता है जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को उनके नाइट्रोजनस कंपाउंड में इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने में, राइट. तो यही बात हुई, हमने बोला था इन नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजनस कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, साइनो बैक्टीरिया होते हैं. साइनो बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसके कारण नाइट्रोजन फिक्स होती है. दैट्स वाई कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओनली अ फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं और कुछ प्रोकैरियोट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प होते हैं. प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नाइट्रोजन को रिड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक एंजाइम की हेल्प से, और वो जो एंजाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोजनेज एंजाइम. और ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग फिक्सर्स, राइट. नाउ अब हम देखते हैं NEN नाइट्रोजिनेस क्या होती है. NEN जो होते हैं वो एक टाइप नाइट्रोजिनेस एक टाइप का क्या है एंजाइम्स हैं. और ये कैसे काम करता है, तो नाइट्रोजन को फिक्स करने में दो टाइप के हो सकते हैं. एक होता है एसिम्बायोटिक दैट इज़ फ्री लिविंग बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. तो ऐसे बैक्टीरिया जो सॉइल में फ्री फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इन्हें हम क्या बोलते हैं एसिम्बायोटिक या फ्री लिविंग बैक्टीरिया बोलते हैं. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के साथ में एसोसिएट होके और नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सिम्बायोटिक. तो एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया में भाई हमने यही बोला है कि कन्वर्ट नाइट्रोजन इंटू अमोनिया, ठीक है. तो बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया है जैसे एनाबिना है, नॉस्टॉक है, ये जो है वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं N2 इंटू NH3, राइट, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम. और हमने बोला था कि यहाँ पर रिडक्शन होता है तो N2 में H क्या हो जाता है जुड़ता जाता है और अमोनिया फॉर्मेशन हो जाती है, राइट.
फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग एरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको हमने फ्री लिविंग को फर्दर हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो कुछ एरोबिक होते हैं और कुछ एनारोबिक होते हैं। तो फ्री लिविंग जो एरोबिक होते हैं विच आर सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लाइक एजोटोबैक्टर है, बेजेमिकिया है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो राइजोबियम, रोडोस्पिरलम, क्लॉस्ट्रिडियम होते हैं, वो एनारोबिक कंडीशन में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाउ नेक्स्ट है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। भाई ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बाय फॉर्मिंग क्लॉस एसोसिएशन विच ईच अदर, मतलब प्लांट से एसोसिएट होते हैं, वो सॉइल में फ्री रहते हैं, ये इस प्लांट से एसोसिएट होते हैं, इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट में और माइकोराइजा के साथ में जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं उनके साथ में एसोसिएट रह के, और जो फर्टिलाइजर एसेंशियल एलिमेंट होते हैं लाइक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इनको क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फ्रेंकिया और राइजोबियम, वो राइजोबियम जो होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में एसोसिएट रहते हैं, और माइकोराइजा एक टाइप का फंगस और रूट का कॉम्बिनेशन होता है जो भी सिम्बायोटिक जो फॉस्फोरस को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। अच्छा एरोब्स होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, जो सिम्बायोटिक होते हैं वो एनारोबिक्स होते हैं, और वो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एनारोबिक कंडीशन में ही फिक्स करने में हेल्प करते हैं। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो दो ऑर्गेनिज्म का होता है, जहाँ पर वो एक दूसरे से एसोसिएट रहते हैं, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। बहुत सारे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन होते हैं जिनको हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, और बहुत से हम लोग जो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि राइजोबियम जो होते हैं वो रूट प्लांट से क्या होते हैं, रूट में एसोसिएट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में, राइट। एग्जांपल जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं लाइक स्वीट पोटैटो है, लेंटाइल्स है, गार्डन पी है, अल्फा अल्फा है, स्वीट पोटैटो कॉलेरो है, ब्रॉड बीन है, क्लोवर बीन्स हैं, इन सबकी रूट्स में क्या होते हैं, राइजोबियम। और जनरली इनकी जो रूट्स होती है वो कैसी होती है कि उसके बीच में लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम मतलब होता है ऐसे नॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और वहीं पे राइजोबियम क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, राइट। नाउ दे गेट एसोसिएट रूट हेयर्स, कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर रूट हेयर्स होते हैं वहाँ पर होते हैं, और उसके बाद में उनके जो हेयर्स होते हैं वो कर्ली हो जाते हैं, बैक्टीरिया वहाँ पर इन्वेड कर लेते हैं और एक इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस करते हैं जो बैक्टीरिया को कहाँ तक ले जाता है, वो थ्रेड कॉर्टेक्स तक जाता है, और कॉर्टेक्स में वहाँ पर वो रूट नोड्यूल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। रूट नोड्यूल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, इरेगुलर होते हैं, और रूट पर आउट ग्रोथ नॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, राइट। लेग्यूमिनस प्लांट जितने भी होते हैं जिनमें रूट नोड्यूल्स होता है, पिंकिश कलर का एक स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसका सेम फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का, जैसे कि हम आरबीसी में प्रेजेंट होता है वो भी ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, वैसे ही लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो NEN है, जो नाइट्रोजिनेस होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, बट यहाँ पर ये लेग हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और NEN जो है वो क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को शो करता है। सिम्बायोटिक फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को जो रूट में होते हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में भी होते हैं लाइक एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों में होते हैं, वो जो होते हैं वो एलनस होते हैं और साइकस रिस्पेक्टिवली होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन को हेल्प करते हैं। नाउ कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं इनको हम कार्निवोरस प्लांट भी बोलते हैं, जिस पर हमें ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, बट स्ट्रेन थिंक कि ये जो प्लांट है वो बिहेव करते हैं लाइक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, अपना जो फूड है वो दूसरों से क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, और ये जनरली कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन की डिफिशेंसी होती है वहाँ पर ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, और अदर दूसरे एनिमल को ट्रैप करके एंजाइमेटिकली उनकी बॉडी को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वहाँ से नाइट्रोजन कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं। जनरली कहाँ पर होते हैं, वाटर लॉग्ड सॉइल
स्वाम्प या मार्शी जो दलदल वाला एरिया होता है वहाँ पर होते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन की डिफिशेंसी होती है। और ये प्लांट अपनी नीड को इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल की बॉडी से क्या करते हैं, उनके लीव के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं और अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आएगा नेपेंथिस, दैट इज पीचर प्लांट, वेनस ट्रैप फ्लाई, सेंड्यू, वाटर फ्लिप ट्रैप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं कि नोड्यूल फॉर्मेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि मल्टीपल इंटरैक्शन होता है राइजोबियम बैक्टीरिया का, कहाँ पर होता है जनरली, कहाँ पर फॉर्म करते हैं, लेग्यूम प्लांट में होस्ट करते हैं। और इस प्रोसेस के थ्रू इनिशियली जो है सॉइल के पास में रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उसके बाद में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बट आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनेट प्लांट उसमें इंटरेक्ट करते हैं कैमिकली और रूट्स में क्या होते हैं, रूट हेयर्स के थ्रू एंटर कर लेते हैं, राइट। कौन कौन सी स्टेप होती है, तो सबसे पहले राइजोबियम मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं रूट के आसपास होस्ट प्लांट के चारों तरफ, फिजिकली अटैच होते हैं एपिडर्मिस ऑफ रूट हेयर सेल से, ठीक है। अटैचमेंट के बाद में रूट हेयर जो है वो कर्ल अप हो जाता है, टिप जो है बैक्टीरिया जहाँ पर टिप कर्ल हो जाती है बैक्टीरिया इन्वेड हो जाते हैं। एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरिया डिग्रेड द पार्ट ऑफ रूट हेयर को डिग्रेड कर देता है, वॉल प्रोड्यूस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर करते हैं, इसको इन्फेक्शन थ्रेड करते हैं। इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो कहाँ तक जाता है, अपर इनर कॉर्टेक्स ऑफ रूट जाता है। बैक्टीरिया आफ्टर रीचिंग द कॉर्टेक्स मेनली टेट्राप्लॉइड सेल होती है, चार सेल्स होती है, साइमल्टेनियसली इनिशियल फॉर्मेशन वहाँ पर नोड्यूल फॉर्म करता है गठान लाग, ठीक है। बैक्टीरिया एनलार्ज साइज में इनलार्ज होता है, बैक्टेरॉइड ब्रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, लिविंग द इन्फेक्शन थ्रेड छोड़ देते हैं, एंटर द सेल इनर कॉर्टिकल और पेरिसाइकल टू डिवाइड हो जाता है। ग्रोथ डिवीजन पेरिसाइकल में होता है, कॉर्टिकल सेल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ नॉट लाइक स्ट्रक्चर और उसी को हम मैच्योर रूट नोड्यूल बोलते हैं। नोड्यूल जो होता है दस फॉर्म आफ्टर डिवीजन, फाइनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन, और ये कनेक्शन हो जाता है होस्ट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, और यहीं से होस्ट से वो अपना न्यूट्रिएंट क्या करता है, एक्सचेंज करता है। मैच्योर नोड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो मैच्योर नोड्यूल जो होते हैं फॉर्म्ड होते हैं सीरीज ऑफ इवेंट, बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, सारी बायोकेमिकल कंपोनेंट लाइक लेड हीमोग्लोबिन एंजाइम नाइट्रोजिनेस सभी प्रोसेस होती है। एंजाइम नाइट्रोजिनेस कैटलाइज कन्वर्जन करते हैं फ्री नाइट्रोजन को अमोनियम में, पहला स्टेबल कंपाउंड होता है। और उसके बाद में एंजाइम जो नाइट्रोजिनेस होता है वो हैज़ टू सब यूनिट, एक होता है एफी प्रोटीन जो नॉन हेम आयरन प्रोटीन होता है, दूसरा है मॉलिब्डेनम एफी प्रोटीन जो नायरन आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन होती है। एफी प्रोटीन कंपोनेंट जो होता है वो एटीपी से रिएक्ट करता है और मॉलिब्डेनम एफी प्रोटीन को रिड्यूस करता है बाय टू अमोनिया। नाइट्रोजिनस एंजाइम फंक्शन एरोबिकली कंडीशन में नहीं करते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, फॉर दिस एक्टिविटी एनरोबिक कंडीशन रिक्वायर होती है, इसलिए एंजाइम फ्रॉम ऑक्सीजन नोड्यूल प्रोडक्शन जो होता है वहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ वो ऑक्सीजन से क्या करता है, कंबाइन कर लेता है, उसको स्कैवेंजर कर लेता है। नाइट्रोजिनेस इज नॉट एक्टिवेटेड व्हेन दिस माइक्रोब्स लाइव इन एरोबिक कंडीशन, फ्री लिविंग होते हैं बट एक्टिव और फंक्शनल कब होते हैं, एनारोबिक कंडीशन में ड्यूरिंग इवेंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉट विनोग्रैड स्काई डिस्कवर्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इस रिएक्शन में अमोनिया सिंथेसिस होता है बाय द नाइट्रोजिनस एंजाइम जिसके लिए बहुत हाई एनर्जी लाइक 8 ATP की रिक्वायरमेंट होती है बाय ईच अमोनिया प्रोडक्शन, एनर्जी रिक्वायर्ड दिस ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ द, और ये जो एनर्जी है वो रेस्पिरेशन से होती है। सेकेंड स्टेप हम देखते हैं दैट इज़ अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में जनरली क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर लाइक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं ऑफ दैट रिमेन एंड डिकम्पोज ऑर्डर टू प्रोड्यूस अमोनिया बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लाइक एक्टिनोमाइसिटीज है, क्लॉस्ट्रिडियम है जो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, आउट ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट सम ऑफ अमोनिया गेट्स वोलेटाइल्स हो जाता है
और वापस से एंटर करता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। वाइल मोस्ट ऑफ द अंडरगोज प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन बाय द सॉइल, और कुछ जो है वो सॉइल बैक्टीरिया से क्या कर सकते हैं, नाइट्रिफाइड हो जाते हैं। फैट ऑफ अमोनिया, फैट ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन असिमिलेशन होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जिसका यूज़ होता है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड में। बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो असिमिलेट होते हैं बाय द नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन से। अमोनियम आयन्स आर फॉर्म बाय द प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया एट द फिजियोलॉजिकल पीएच, और अमोनियम आयन जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं प्लांट्स के, कैन नॉट एक्यूमुलेट देम। दस दीज फोर आर यूज इन सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड बाय द प्लांट, और ये जो चारों है ये अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। राइट नाउ यहाँ पर हमने देखा कि मेनली जो अमोनियम आयन जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी का रीज़न होता है उसके लिए, टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फैट जो हमने देखा है कि भाई नोडल फॉर्मेशन हो गया है, अमोनियम आयन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अमाइड्स के फॉर्म में अगर हम देखते हैं कि जैसे ये फैट देखा, उसके बाद में फॉलोइंग टू मेथड से जो है वो फिक्स होता है, एक होता है रिडक्टिव एनिमेशन और दूसरा होता है ट्रांस एनिमेशन। रिडक्टिव एनिमेशन में क्या होता है कि अमोनिया जो है वो अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड से क्या करता है, रिएक्ट करता है और अमीनो एसिड फॉर्म करता है, दैट इज़ ग्लूटामिक एसिड। मिनरल न्यूट्रिशन जो होता है, हाँ नेक्स्ट है ट्रांस एमिनेशन जो होता है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप। भाई अगर हम बात करते हैं अमीनो ग्रुप की, तो एक होता है, अगर यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताऊँ मैं, तो एक NH2 होता है, ठीक है, एक R होता है, एक H होता है, CH3 मान लो यहाँ पर, और एक COOH है। तो यहाँ का ये जो H रहता है इट विल बी ट्रांसफर टू दिस, और ये अमोनिया फॉर्म हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अमीनो ग्रुप का वन अमीनो एसिड जो है वो अल्फा कीटो ग्रुप के दूसरा जो कीटो ग्रुप होता है उससे क्या हो जाता है, यहाँ पर ग्रुप चेंज हो जाते हैं, और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज अमीनो ट्रांसफरेंस, क्योंकि यहाँ पर अमीनो ग्रुप क्या हो रहा है, ट्रांसफर। ग्लूटामिक एसिड जो होता है, मेन अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ अदर अमीनो एसिड थ्रू ट्रांस एमिनेशन, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ट्रांसफर द अमीनो ग्रुप टू कीटो ग्रुप। अमाइड्स की अगर हम बात करते हैं, तो जनरली ये जो होते हैं अमाइड्स जो होते हैं जनरली अमीनो एसिड और अमोनिया के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं अमीनो एसिड का, वो अमीनो आयन से क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। दो मोस्ट अमाइड फॉर्म होते हैं, एक होता है एस्पार्जिन और ग्लूटामिन, ठीक है। एडिशन ऑफ अनादर अमीनो ग्रुप टू अमीनो एसिड, एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जो होते हैं वो जनरली फॉर्म होते हैं एस्पार्जिन और ग्लूटामिन से। अमाइड्स के यूज़ देख लेते हैं, दोनों अमाइड एस्पार्जिन और ग्लूटामिन जो होते हैं वो मेटाबॉलिक रिजर्वॉयर की तरह काम करते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं टिश्यू ऑफ हेल्दी प्लांट्स में, और टाइम ऑफ एसिमिलेशन ऑफ अमोनिया में क्या करते हैं, काम करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं अदर पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू जाइलम वेसल और नाइट्रोजन रिच कंपाउंड, बिकॉज दे कंटेन मोर नाइट्रोजन देन द अमीनो एसिड। कुछ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कर ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन का भी काम करते हैं, ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं लाइक सोयाबीन में, और दीज हैव हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। नेक्स्ट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में जनरली क्या होता है कि मैन्योर जो प्लांट डिग्रेडेशन, अमोनिया प्रोड्यूस होती है डिग्रेडेशन ऑफ मैन्योर से, इट इज़ फिर फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइड बाय द सॉइल बैक्टेरियम लाइक नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोबैक्टोकस, और उसके बाद में फर्दर ऑक्सीडाइज होती है नाइट्रेट, और वो जो दूसरा बैक्टीरिया होता है दैट इज़ नाइट्रोबैक्टर। बैक्टीरिया इस प्रोसेस में नाइट्रिफिकेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि केमिकल की हेल्प से होता है। नाइट्रेट दस फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट ट्रांसपोर्ट टू लीव, ठीक है, और फाइनली क्या होता है, अमीनो ग्रुप से अमीनो एसिड बन जाता है। डी नाइट्रिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो नाइट्रेट जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो रिड्यूस बैक हो जाते हैं फ्री नाइट्रोजन में, और ये डी नाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक थायोबैसिलस
डीनाइट्रिफिकेंट्स की प्रेजेंस में होता है या स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंट्स की प्रेजेंस में होता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया होते हैं यूटिलाइज नाइट्रेट एंड नाइट्राइट और इलेक्ट्रॉन आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की प्लेस इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन की जगह वो यूज़ करते हैं और नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं फ्री कर देते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। टिल देन स्टूडेंट बाय बाय।